गुड मॉर्निंग साथियों, जैसा कि यहाँ पीछे आपको एक सर्कुलर दिखाई दे रहा है और ये 4/10/2023 को ये सर्कुलर आया है और ये ब्रांच है E5 ब्रांच, यानी कि ये सर्कुलर कैस्ट टीचरों के ट्रांसफ़र को लेके, यानी कि एक सर्कुलर आया है और इसमें ऊपर लिखा भी हुआ है टाइम बाउंड। ये टाइम बाउंड है और जो साथी अपना ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो वो किस तरीके से अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं, तो इस सर्कुलर में पूरी डिटेल में बताया गया है। तो हम आपको यहाँ पे ये सर्कुलर पूरा पढ़ के बताएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आप अपना ट्रांसफ़र भर सकते हैं, किस किस बेस पे आप ट्रांसफ़र भर सकते हैं, जो यानी कि गेस्ट टीचर्स इच्छुक हैं वो अपना ट्रांसफ़र आराम से भर सकते हैं। तो पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ पे अगर आपको इस वीडियो से मदद मिलती है या आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। जो साथी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं और उनको प्रोसेस नहीं पता है तो वो साथी भी, यानी कि उनको भी इस चीज़ की जानकारी हो जाए। तो चलिए और बताते हैं आपको। इनवाइटिंग एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफ़र फ्रॉम गेस्ट टीचर्स वर्किंग इन DOE, यानी कि जो DOE में अभी करंट में यानी कि काम कर रहे हैं और वो यानी कि अपना ट्रांसफ़र किसी अदर स्कूल में कराना चाहते हैं, यानी कि ज़्यादा दूर है तो भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं, कंडीशंस हैं कुछ तो उनके बेस पे आप करा सकते हैं। तो कंडीशंस नीचे एक परफॉर्मा है, वो पूरा परफॉर्मा किस तरीके से भरना है वो हम बताएंगे, लेकिन अभी हम आपसे यहाँ पर ये सर्कुलर के बारे में पहले रीड कर लेते हैं, बता देते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं और आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आप लोगों को आती है तो आप आराम से इसको अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं। चलिए हम कुछ कोशिश करते हैं अपने साथियों को समझाने की जितना मुझे आता है। तो यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर ट्रांसफ़र इन रिस्पेक्ट ऑफ अ गेस्ट टीचर्स ऑफ वेरियस पोस्ट वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैज़ बीन इशूड, यानी कि ये ऑर्डर नंबर है 25 अप्रैल 2023 को, ये यानी कि ट्रांसफ़र का एक ऑर्डर आया था तो उसके तहत ये गाइडलाइंस ट्रांसफ़र की यहाँ पे दोबारा से डाली गई हैं। अकॉर्डिंगली एप्लीकेशंस आर हियर बाई इन्वाइटेड फ्रॉम इंगेज गेस्ट टीचर्स, जो इंगेज गेस्ट टीचर्स हैं चाहे वो एडिड स्कूल में हो या गवर्नमेंट स्कूल में हो, तो उन दोनों के लिए ही है। एलिजिबल एज पर एबो रेफर्ड गाइडलाइंस सीकिंग देयर ट्रांसफर्स, द गेस्ट टीचर्स कंसर्न्ड आर फर्दर डायरेक्टेड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन इन ओरिजिनल इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ओनली इनक्लोज्ड हियर विद एन एज एनेक्सरी फर्स्ट, ऑन एनेक्सरी फर्स्ट है जो फॉर्म मैं आपको बता रहा था वो भी उसके साथ में एक एप्लीकेशन लिखनी है और एप्लीकेशन के साथ में एनेक्सरी फर्स्ट जो है वो भी लगाना है। एंड सबमिट द सैम अलोंग विद ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेटेस्ट बाई 20 अक्टूबर 2023, यानी कि 20 अक्टूबर 2023 तक आपने जमा करनी है शाम 5 बजे तक इन E5 ब्रांच डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन रूम नंबर 116 फर्स्ट फ्लोर ओल्ड पत्राचार विद्यालय बिल्डिंग तिमारपुर दिल्ली 11054 और थ्रो ईमेल gtcelldoe@gmail.com। तो यहाँ पे जीमेल के माध्यम से भी और आप सीधा यहाँ पे इसके माध्यम से भी अपनी जो एप्लीकेशन है वो भेज सकते हैं, मतलब सीधा आप जाके वहाँ पे जमा कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन और एनएक्सरी फर्स्ट, और या फिर यहाँ पे इन्होंने थ्रो ईमेल के माध्यम से भी कहा है कि मेल के माध्यम से भी आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आगे यहाँ पे और यहाँ पे इसके साथ में ओरिजिनल फॉर्मेट जो होनी चाहिए, यानी कि ओरिजिनल की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो अगर आप वहाँ खुद जाके जमा करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी कि मेल के माध्यम के बजाय। तो नॉन रिपोर्टेड गेस्ट टीचर्स शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दियर री एलोकेशन और चेंज ऑफ एलोकेटेड स्कूल थ्रू दिस ट्रांसफ़र मैकेनिज्म, ओनली दोज गेस्ट टीचर्स हु वर प्रेजेंटली वर्किंग इन द स्कूल्स कैन अप्लाई फॉर ट्रांसफर इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट गिविंग ऑप्शन फॉर ऑफ फॉर स्कूल्स, यानी कि ऑप्शन में वो 4 स्कूल भर सकते हैं जो नियरेस्ट में होंगे, जहाँ वो नियरेस्ट में जाना चाहते हैं, विलिंगनेस जहाँ पे भी होगी उसकी। गिविंग वैल्यू ऑप्शंस और ओनली नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड, ओनली नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंसिडर नहीं होगा, यानी कि गिविन वैल्यू ऑप्शन वहाँ पे भरने होंगे स्कूल के तो वो कंसिडर करना पड़ेगा। बिसाइड्स दैट दिस
इट इज़ ए कन्वे दैट ऑल द एप्लीकेशंस रिसीव्ड इन दिस ऑफिस डायरेक्टली फ्रॉम गेस्टिसर्स और थ्रू एनी अदर डिपार्टमेंट हायर अथॉरिटीज पीरियड टू इश्यूएंस ऑफ दिस सर्कुलर. ये कन्वे किया जा रहा है कि एप्लीकेशन रिसीव्ड इन दिस ऑफिस डायरेक्टली फ्रॉम गेस्ट टीचर्स, ये केवल गेस्ट टीचर्स के लिए है, थ्रू एनी अदर डिपार्टमेंट हायर अथॉरिटीज पीरियड टू इश्यूएंस ऑफ दिस सर्कुलर आर हियर बाई कंसिडर्ड एज फील्ड एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड फर्दर फॉर ट्रांसफर. मतलब बाकी के लिए नहीं, सिर्फ ओनली गेस्ट टीचर्स की यहाँ पर बात हो रही है. हाउ एवर ट्रांसफर ऑफ गेस्ट टीचर्स विल बी कंसिडर्ड ओनली इन केस वेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इफ एनी पर्टेनिंग टू द ग्राउंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ गेस्ट टीचर्स एज कन्वे वाइड नंबर सर्कुलर नंबर. इस सर्कुलर में जो जो कंडीशंस लिखी हुई थी 25 अप्रैल 2023 को जो आया था, आप उसको भी देख सकते हैं. तो उसके माध्यम से आप अपना जो है ट्रांसफ़र भर सकते हैं. नो एप्लीकेशन विल बी इंटर्ड थ्रू स्पीड पोस्ट. स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो ना भेजें. और सबमिट टू एनी अदर ऑफिस अंडर DOE, यानी कि और किसी और सबमिट टू एनी अदर ऑफिस, यानी कि किसी और अदर ऑफिस में भी आपको जाके सबमिट नहीं करना है. सिर्फ E5 में जाना है, रूम नंबर 116 रूम नंबर में ही जाना है. नो एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र शैल बी इंटर्ड इफ़ रिसीव्ड आफ्टर लास्ट डेट 20/10/2023 शाम 5 बजे. यानी कि 20/10/2023 के बाद में कोई भी ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी. यानी कि 20 तारीख तक आप शाम 5 बजे तक अपनी एप्लीकेशन वहाँ जमा कर सकते हैं. अब यहाँ पे फॉर्मेट है, नीचे मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ इस फॉर्मेट में क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं. तो ये एनेक्सरी फर्स्ट है, एप्लीकेशन फॉर्मेट टू बी फिल्ड बाय गेस्ट टीचर्स सीकिंग ट्रांसफ़र. जो यानी कि ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो वो अपना यहाँ पे ट्रांसफ़र के जो एनेक्सरी फर्स्ट है ये भर के वहाँ पर जमा कर सकते हैं एप्लीकेशन के साथ में और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो. नेम ऑफ गेस्ट टीचर यहाँ पे अपना ब्लॉक लेटर्स में यानी कि कैपिटल लेटर्स में आपने भरना है. एम्प्लॉय आईडी अपनी भरनी है. डेजिग्नेशन भरनी है, किस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं. डेट ऑफ बर्थ भरनी है. डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट एज गेस्ट टीचर, डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट एज गेस्ट टीचर जो शुरुआत की अपॉइंटमेंट है वो भरनी है. रेजिडेंशियल एड्रेस कहाँ है वो भरना है. और रेजिडेंशियल एड्रेस आप वो भरें जहाँ पे आप यानी कि ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ का भरेंगे तो आराम से आपका फिर उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा. मोबाइल नंबर आपने डालना है. प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे है आपकी प्रेजेंट पोस्टिंग, यानी कि किस स्कूल में है. विद करंट डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, तो वो सारी डिटेल यहाँ पे, यानी कि करंट स्कूल की डिटेल यहाँ पे डालनी है 7 ऑप्शन में. आगे यहाँ पे ग्राउंड सीकिंग ट्रांसफ़र अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इसके साथ में आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं. डिस्टेंस मोर देन 20 किलोमीटर, जैसे 20 किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस है तो उसके बेस पे मेडिकल ग्राउंड है. फैमिली में भी हो, यानी कि वाइफ का है, मदर का है या आपका खुद का है, तो भी ग्राउंड रिपोर्ट मेडिकल ग्राउंड के बेस पे आपका हो सकता है. मैरिज के बेस पे हो सकता है, PWD के माध्यम से भी. और म्यूचुअल ट्रांसफ़र अगर आप कराना चाहते हैं, कोई आपकी जगह है और आप दूसरे की जगह जाना चाहते हैं, तो वो भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र यहाँ पर हो सकता है. प्लेस ऑफ पोस्टिंग डिज़ायर्ड, यानी कि आप जहाँ पर ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं तो वहाँ 4 स्कूलों के नाम और उनकी ID यहाँ पर आपने भरनी है. नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज अप टू 30/6/2023 तक, 30/6/2023 तक जो आपके वर्किंग डेज टोटल बैठ रहे हैं वो यहाँ पर आपने अपने लिखने हैं. उसके बाद में सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं. नेम एंड डेजिग्नेशन लिखना है. एम्प्लॉय आईडी लिखनी है और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है. और ये सारी चीज़ें लिखने के बाद में ये आपने वहाँ पे सबमिट कर देना है. तो उम्मीद है कि इससे मेरे साथियों की मदद मिलेगी. अगर मेरे साथियों को इससे मदद मिलती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ताकि और साथियों की भी मदद हो सके. और कमेंट सेक्शन में आप कोई और भी आपका जब सवाल रहता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हैं. उम्मीद है कि हमारे साथियों की इससे मदद ज़रूर हुई होगी. अगर आपकी मदद हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों से गुड बाय.